बच्चों इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन है, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों ये, लेकिन समझने के लिए इसको पूरा कॉन्सेप्ट सही समझते हैं। मूल्यांकन कीजिए मतलब आपको इसका मान निकालना है, टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। ये तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है, टेन इनवर्स वन का मान निकालना है, फिर इस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ का मान निकालना है, फिर साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ का मान निकालना है और इसको ऐड करना है। तो हम चाहे तो इसको पृथक पृथक करके निकाल सकते हैं। जैसे हम पहले कोण ले लेते हैं, माना टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू अल्फा, देयर एम्प्लाइज टेन अल्फा इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब टेन इनवर्स फंक्शन इसका रेंज क्या है, इसका रेंज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो हमको लेना है क्या उस इंटरवल में वन किसका टेन है, तो टेन पाई बाई फोर, तो देयर फोर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। क्यों, विच बिलोंग्स टू, ये टेन इनवर्स वन का रेंज क्या है, टेन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जो इसके अंतर्गत आता है। इसलिए इसका मान मिल गया आपको, टेन इनवर्स वन का मान मिल गया। देयर फोर बोल सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा कोण का मान निकालेंगे, इसको भी सपोज कर लेते हैं सीखने के लिए, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू सपोज बीटा, देयर एम्प्लाइज एक एक आच्छादक होने के कारण क्या लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। बच्चों इसमें कॉस इनवर्स फंक्शन का आपको रेंज जानना है और उसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई, तो हमको इसको जीरो टू पाई के अंतर्गत लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वन बाई टू, वन बाई टू जो टेबल में जो आप याद रखे हैं, वन बाई टू कितने का कास है ये ध्यान रखना है, कास साठ अंश का मान है, तो ये हम लिख सकते हैं कास पाई बाई थ्री। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इसका रेंज क्या है, इसका रेंज आपको याद रखना है, जैसे कि कास इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, जैसे यहाँ पर क्या था बच्चों, टेन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये तो ये ध्यान रखना है, तो इसके अंतर्गत लाना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट लाते हैं, जीरो टू पाई पहला और दूसरा चतुर्थांश, तो इसको हम दूसरा चतुर्थांश में क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है बच्चों, आपको ज्ञात है कास 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कास थीटा होता है। ठीक है, तो आपने माइनस कास थीटा को कास 180 माइनस थीटा के पदों में लिख लिया, तो ये अब आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, कास टू पाई बाई थ्री, अब ये आ गया इस रेंज के अंतर्गत आ गया। इसलिए हम बीटा इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, क्यों, क्योंकि विच बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। ठीक है, अतः आपको कास इनवर्स ऑफ माइनस हाफ का मान टू पाई बाई थ्री मिला। ठीक है, ये पहले पद का मान, ये दूसरे पद का मान, अब हम तीसरे पद का मान निकालते हैं। पुनः माना तीसरा कौन सा है, साइन इनवर्स,
साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू गामा ले लीजिए, देयर एम्प्लाइज साइन ऑफ गामा इज इक्वल टू माइनस हाफ। यहाँ पर भी साइन फलन का रेंज जानना आवश्यक है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये हमको ध्यान पर रखना है, तो उसके अंतर्गत लाना है। तो हम इसको माइनस, ये है साइन थर्टी का मान, साइन थर्टी यानी रेडियन में पाई बाई सिक्स। अब इसको कहाँ लाना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू यानी प्रथम और चौथे चतुर्थांश में इसको लेना है, ठीक है। तो साइन गामा इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स चौथे चतुर्थांश में, ठीक है बच्चों। तो देयर फोर गामा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। अब माइनस पाई बाई सिक्स लेते हैं चौथे चतुर्थांश में, तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं विच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये भी मिल गया आपको। देयर फोर साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स, ये तीसरा रिलेशन, ठीक है। अब इनको आप हल कर दीजिए, मान रख दीजिए, अतः जो व्यंजक दिया है टेन इनवर्स ऑफ वन प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू, पहले का मान क्या है पाई बाई फोर, दूसरे का मान टू पाई बाई थ्री, तीसरे पद का मान माइनस पाई बाई सिक्स। इसको हल कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा बारह, ये हो गया थ्री पाई और ये हो गया तीन चौक बारह, चार दुनिया आठ प्लस आठ पाई और ये हो जाएगा माइनस टू पाई। तो आठ तीन ग्यारह, ग्यारह में दो घटाया नौ, नौ पाई बटे बारह, कटता है कटा दीजिए, तीन तिया नौ, तीन चौक बारह, थ्री पाई बाई फोर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, थ्री पाई बाई फोर ये हमारा आंसर है। तो मूल्यांकन कीजिए कहता है, मतलब उसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान थ्री पाई बाई फोर। तो इस प्रकार से हम प्रश्न जो है अलग अलग रूपों में पूछा जाता है, तो उसको आपको समझना है।